बार बार फेल हो रही हो रिंकी, अगर तुम इस बार भी एग्जाम में फेल हुई ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हंसी आ रही है इनको। अब जाओ अपनी सीट पे बैठो और जाके पढ़ाई करो। और चिंकू तुमको भी मैं सेम चीज बोल रही हूँ, अब जाकर पढ़ाई करो। दिन भर ये लोग घूमते रहते हैं। समायरा को देखो, वो इतना पढ़ती है, हर एग्जाम में वो टॉप करती है। उससे कुछ सीख लो, समझे? यस मैम, मैं इस बार और मेहनत करूंगी ताकि पिछले बार से ज्यादा परसेंटेज लाऊं। हाँ समायरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब तुम दोनों यहाँ पे मुझे खड़े होकर देखते रहोगे क्या? जाओ अपनी सीट पे बैठ के पढ़ाई करो। यार उस टीचर ने मुझे इतना जोर का थप्पड़ मारा, तुझे स्लो मारा था, मुझे तेज मारा। मार तो दोनों को पड़ी ना। चुप कर, तू चुप कर। अब तुम दोनों को स्कूल से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। समायरा तुम इन दोनों को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आई बस समझ में? ओ रिया की बच्ची, अपना काम कर, समझी? My foot. Thank you, रिया, आप लोग की साइड लेने के लिए। वो जो उसके घोड़े के पूंछ जैसे ना भूरे कलर के बाल है ना, उसको खींच के एक दिन। खैर छोड़ो, वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करें आज। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो मेरे घर पे चलते। ठीक है। हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे यार ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई हेट मैथ्स। कोई बात नहीं रिंकी, बाबा प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। ठीक है। अरे यार रिया रिंकी, क्या तुम दोनों मुझे एग्जाम में चीटिंग करवा दोगे? नहीं चिंकू, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें चीटिंग भी करवाना चाहूँ तब भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर बहुत पहले और तुम दूसरे क्लास में बैठोगे। और वैसे भी चीटिंग करने के लिए भी अकल की जरूरत है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ, अगर तुझे पास होना है ना तो ये मोबाइल रख कर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। यार गाइस, इस हमारा हमेशा अपने घूमने की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती है। अरे यार ये जब हर टाइम घूमती रहती है तो पढ़ती कब है? यार इनके सारे टॉपर्स एक जैसे होते हैं, ये घूमने का दिखावा करते हैं और रियलिटी में 24 घंटा पढ़ते रहते हैं। अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, हो सकता है ये जो फोटो है उसने 2-3 महीने पहले लिया हो और जानबूझ के एग्जाम के टाइम पे डाल रही है ताकि सबको ये लगे कि ये टॉपर है फिर भी घूमती रहती है और हम भी इसका देखा देखी घूमे और फेल हो जाए। कितनी चालाक है ये। देखो ये इतना हार्ड नहीं है और अभी भी हमारे पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए। और चिंकू तुम लाओ ये फोन मुझे दो और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। अरे यार बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया, टाइम कितना हो रहा है? 6 बज रहे। अरे यार इसका मतलब हम लोग 5 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो पूरे साल इतना नहीं पढ़ा। ये सब रिया की वजह से पॉसिबल हुआ है, थैंक यू रिया। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई। क्या फिर से? चिंकू तुम्हें एग्जाम में पास नहीं होना है क्या? ठीक है। 2 ABC का एग्जांपल क्या? मैं तो पहला नहीं लाना भूल गया। ये ले। देखो ये दोनों कैसे फिर से मुंह उठा के स्कूल में आ गए बेशर्मों की तरह। तू चुड़ैल, क्या ये स्कूल तेरे बाप का है? हाउ डेयर यू रिंकी, मेरे बाप पे जाने की? और वैसे भी अगर ये स्कूल तेरे बाप का ही है तो अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? एटलीस्ट हम फीस तो दे रहे हैं ना। जितना बोलना उतना बोल लो रिंकी, एग्जाम की बात तुम्हें पता चलेगा। डैम इट माय फुट। बढ़िया है, चल चिंकू। ओके क्लास, तो कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो फिर से हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे। मैम क्या है? Can I go to washroom? तुमको फर्स्ट पीरियड में ही वॉशरूम जाना है? हाँ जाओ जल्दी और जल्दी से आना। ये टीचर कितना बकाती है। थैंक गॉड मैं बहाने मार के बाहर आ गया। थैंक यू बेबी, तुम हर साल मेरे लिए एग्जाम्स के पेपर चोरी करते हो और मुझे देते हो ताकि मैं इसे पढ़ के पूरे स्कूल में टॉप कर सकूं। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ये समारा बॉयज के वॉशरूम में क्या कर रही है? बॉय बेबी आया बड़ा, उसे लगता है मैं उसे प्यार करती हूँ। उससे क्या पता, मैं बस उसके साथ मतलब के लिए हूँ। अच्छा बच्चू, तो ये बात है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ, कि बस पीछे बैठ के बात करना है? बोल। कल मैं 5 घंटे पढ़ी थी। हाँ तो कल से ऐसे ही बैठ के पढ़ना, समझी? चिंकू भेजे में कुछ घुस रहा है कि नहीं? मैम कैन आई गो टू वॉशरूम? जाओ उसके बाद सीधे क्लास में आना, समझी? ओके क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्या है चिंकू? वैसे तूने क्लासरूम में कुछ देखा तो नहीं ना? मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कॉरिडोर में खड़े होकर नहीं बात करते हैं, चल कहीं और चलते हैं, ठीक है? हाँ चल। क्या वो घोड़े की पूछ वाली समायरा इसलिए पूरे स्कूल में टॉप करती थी क्योंकि वो चीटिंग करती थी? इस समायरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसके बॉयफ्रेंड को तो मैं बाद में देख लूंगी। चिंकू जाके समायरा को बुला के लेकर आओ, अब मजा आएगा ना जब मैं उसको ब्लैकमेल करूंगी। हाँ अच्छा रिया कि तुम भी यहाँ पे आ गई। क्या है? हमें सब पता चल गया चुड़ैल की बच्ची कि तू कैसे पास होती थी चीटिंग करके, और हमारे पास अब तो। ओ चिंकू तुमने रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ लेकिन मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, छोड़ो जाने दो। जब तू अपने बॉयफ्रेंड से एग्जाम के पेपर ले रही थी, समझी? तुम दोनों को चाहिए क्या, बोलो? हम बस इतना ही चाहते हैं कि तू उन एग्जाम पेपर्स का प्रिंट आउट निकलवा कर हमें भी दे दे ताकि हम भी टॉपर बन जाएं। नहीं, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं चिंकू और रिया जाकर प्रिंसिपल सर को बता देंगे। अच्छा ठीक है, लाती हूँ।
अरे यार चिंकू, अब तो मैं पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उस मेमड़ी को प्रूफ कर दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। अरे यार, ये कितना टाइम लगा रही है। मैं मुझे बोलेंगी तुम वॉशरूम में इतना टाइम लगाती हो। आ गई, ला मुझे दे। अब तुम यहाँ से जाओ, समझी? रिया, ये लो। नहीं रिंकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी आती हूँ। इस रिया को क्या हुआ? पता नहीं। चलो क्लास में चलते हैं। मैं सोच रही इस एक्स्ट्रा पेपर को मैं 1 लाख में बेच दूं। हाँ, सही आइडिया है। अगले दिन, अरे यार ये रिया नहीं दिखाई दे रही है। लगता अभी तक आई नहीं और एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। रोल नंबर 16 किसका है, रिंकी? यस मैम। ओके, एंड रोल नंबर 38 किसका है, समायरा? तुम दोनों अपना सारा सामान यहीं पे रखो, चलो प्रिंसिपल ऑफिस। मैम, प्रिंसिपल ऑफिस? देखो ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, जितना बोला उतना करो। चलो। इस रिंकी की बच्ची ने प्रिंसिपल को बता दिया क्या? इस समारे के बच्ची ने सर को बता दिया क्या कि मैंने इसको ब्लैकमेल किया है? चिंकू, तुम भी यहाँ पे? रिया, तुम भी? I'm sorry रिंकी, मैंने वो पेपर लीक वाली बात प्रिंसिपल सर को आके बता दी। मैंने चाहती थी कि तुम दोनों ने इतने मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन एंड में तुम चीटिंग करके पास हो, इसीलिए सॉरी। मुझे रिया ने सब कुछ बता दिया कि तुम लोगों ने कैसे पेपर लीक किया है, इसीलिए तुम तीनों को रेस्टिकेट किया जाता है, रिंकी, चिंकू एंड समायरा। लेकिन सर, हमने उसी दिन पेपर को फाड़ के फेंक दिया था, हमने नहीं चीटिंग की। एक दिन पहले। यार चिंकू सुन, रिया ने सही किया ये सारे पेपर्स ना लेकर। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं चीटिंग करके पास हूँ। और तू भी, इसीलिए हम ना इसको फेंक देते हैं और हमने जो मेहनत करके पढ़ाई की है ना, हम उसी से पास होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और हम दुष्ट हमारे की तरह नहीं है, ठीक है? हम उससे भी अच्छा नंबर लाएंगे। अब चल चलते हैं। रिंकी सुनो, मैं अभी वॉशरूम करके आता हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे पेपर उठाए जा रहे हैं ये बोलकर कि वॉशरूम जाना है, वो भी गर्ल्स वॉशरूम में। तुम क्या कर रहे हो चिंकू? चलो यहाँ से। इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से आके पेपर उठा सकता है। एक काम करती हूँ, उसको घर जाके जला दूंगी। प्रेजेंट टाइम। अच्छा, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे बिलीव कर लूँ? तुम लोग एग्जाम देने दूँ? सर, इन लोगों को एक आखिरी मौका दे दीजिए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम चारों के लिए अलग से पेपर बनाया जाएगा, और अगर तुम चारों के इस एग्जाम में 80% से ज्यादा नंबर आए तब तुम लोग इस स्कूल में रुकोगे, अदरवाइज तुम लोग को रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। मैम। यस सर। आप जाकर इन चारों के लिए अलग से एग्जाम पेपर तैयार करिए। ओके सर। और समारा, तुमसे, तुम तो टॉपर थी ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नो सर। ये लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग नहीं करना है, चुपचाप लिखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वाओ, ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। टाइम खत्म हो गया, लाओ पेपर दो। प्लीज दो मुझे, यहाँ तो मैं चीटिंग भी नहीं कर सकती। लाओ, टाइम ओवर हो गया। मैम, मेरा हो गया। लाओ दो, बहुत लिख लिया, लाओ दो। ठीक है, तो तुम चारों की कॉपी साइन हो गई हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले रिंकी, उसका आया है 80%। मैंने कह दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। नेक्स्ट है रिया, उसका आया 95%। यस सर। ये ओके, तो अब बारी है समायरा की, उसका आया है 10%। फेल। वेरी गुड। चुप रहो तुम लोग। और चिंकू का आया 47%, लेकिन वो भी फेल है। ओके, तो अब तुम दोनों के पेरेंट्स आ गए हैं, चलो। चिंकू। रिंकी, तुम चिंकू की चिंता मत करो। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन। हट यहाँ से रिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड चिंकू को स्कूल से निकाल दिया गया, तेरी तो। सर, मुझे बचाइए। Thank you so much guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या था। एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।